नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये शिकायत काफ़ी ज़ोरों शोर से सामने आ रही थी कि लोग कोविड टेस्ट करवाने जा रहे थे। कोरोना के उनके पास सारे सिम्टम थे लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ रही थी। अब इस सवाल का जवाब मिल गया। दरअसल कोरोना ने अपना रूप बदल लिया। इस बार जो कोरोना आया ये कोविड-19 नहीं बल्कि कोविड-21 है, और यही वजह है कि कोविड के टेस्ट में इस नए कोरोना को पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। दिलासा देना एक बात है लेकिन सच्चाई से मुंह छुपाना अलग। हम खुद को इत्मीनान दिलाने के लिए कह सकते हैं कि सब ठीक है, मगर ये आंकड़े बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। कोरोना के जितने मामले शुरू के 3 महीने में आए थे हिंदुस्तान में, अब वो मामले रोजाना आ रहे हैं, और ये आंकड़े छोटे मोटे नहीं बल्कि बेहद बड़े हैं। 4 लाख के आसपास लोग रोजाना अब देश में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिनमें करीबन 4,000 लोग रोजाना इस वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। लेकिन कोरोना का कहर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि दिन ब दिन बलवान और बलवान होता चला जा रहा है। अब खबर आई है कि कोरोना का एक और नया वर्जन यानी संस्करण आ गया है, कोविड-21। हम आपको डरा नहीं रहे लेकिन हालात को देखते हुए हमारा डरना जरूरी है। सारी एहतियातों को गीता कुरान की तरह मानने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन आपको कब तक लगेगी, वो कितनी असरदार होगी, ये सब अभी मामले भगवान भरोसे ही। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन न लगवाई जाए। वैक्सीन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे लगवाने के बाद गुंजाइश है कि भले आप कोरोना से दोबारा संक्रमित हो जाए मगर जान जाने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनकी मृत्यु दर बढ़ी है। लेकिन मृत्यु दर कम या ज़्यादा होना आपको कोरोना के कहर का सही आइडिया नहीं दे सकता, खासतौर पर कोरोना की इस दूसरी लहर में जहां ये मामले हैरत अंगेज तरीके से बढ़ रहे हैं। आइए आपको इसे एक मिसाल देकर समझाते हैं। फर्ज कीजिए 5 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और उनमें से 2 की मौत हो जाती है तो मृत्यु दर 40% होती है। सुनने में ये भले ज्यादा लगे लेकिन मरने वालों की तादाद सिर्फ 2 है। अगर 20,000 कोरोना के मामले हैं और उनमें से 200 लोगों की मौत हो जाती है तो मृत्यु दर 1% होगी, लेकिन इस बार मरने वालों की तादाद 200 है। तो अगर कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो मृत्यु दर से इस पैंडेमिक का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जानकारों का मानना है कि कोविड हमारे साथ ही रहने वाला है, पर जैसा पिछले साल था वैसा नहीं। इस बार कुछ नई चुनौतियां हमारे सामने होंगी, इनकी पिछले साल के हालात से तुलना नहीं की जा सकती। इस बार जो दिक्कतें हैं वो नई हैं, तो जाहिर है जो उसके हल होंगे वो भी नए ही होंगे। आसान जुबान में कहें तो कोविड-19 खत्म हो चुका है और जो आज हमारे साथ है वो है कोविड-21। पर ये कोविड-21 है क्या और कैसे ये उस कोविड से अलग है जिसे हम बचते बचाते पीछे छोड़कर आए, तो आइए इसे भी समझते हैं। कोविड-21 कोई नई बीमारी नहीं है बल्कि एक नया म्यूटेंट है सार्स कोविड-19 का, जो 2021 में लोगों को बीमार बल्कि बहुत बीमार कर रहा है। जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के इन्फेक्शन में आने के बाद उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेती है, स्मार्ट और एडवांस हो जाती है, अपने अंदर बदलाव कर लेती है, वैसे ही बीमारियां भी स्थायी नहीं होती। वायरस भी वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। पिछले साल हमने जैसे खुद को इसके लिए तैयार किया था, लाइफस्टाइल को चेंज किया था, मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव हुए, उसी तरह कोविड-21 वेरिएंट प्रोटेक्ट है इन सभी बदलावों का, और ये कोविड-21 कोविड-19 से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये वायरस अपने आप को और बदले, और यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर कई हद तक ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है अपनी पहली लहर से, क्योंकि पहली लहर में इसके वेरिएंट कम थे और इनका स्वभाव भी काफी हद तक एक जैसा था, जिन्हें ट्रैक करना और पहचानना आसान था। लेकिन इस दूसरी लहर में कई सारे वेरिएंट हैं, वो ज्यादा स्मार्ट भी हैं, तेजी से संक्रमण फैलाने वाले भी हैं और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में फैल भी रहे। आइए कोरोना के इन्हीं वेरिएंट्स का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, तब शायद आप समझ पाएं कि क्यों इनका एक साथ ट्रेस करना, ट्रीट करना और इनसे बचना इतना मुश्किल हो रहा है। दुनिया में मोटे तौर पर अब तक 3 वेरिएंट मिले थे। इन्हें इस देश के नाम से ही बुलाया जाता है जहां ये पहली बार पाए गए। इनमें पहला है यूके यानी इंग्लैंड वेरिएंट, दूसरा है साउथ अफ्रीका वेरिएंट और तीसरा है ब्राजील वेरिएंट। देश की बात करें तो यहां अलग अलग हिस्सों में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पाए गए। मसलन कर्नाटक और बेंगलुरु में सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका वेरिएंट पाया गया।
दक्षिण भारत में भी साउथ अफ्रीका वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है, जबकि यूके वेरिएंट पंजाब में काफी मामलों में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट के लिए यूके वेरिएंट जिम्मेदार माना जा रहा है। यूके वेरिएंट ने महाराष्ट्र में खुद को म्यूटेट भी कर लिया है। अब इसके भी दो वेरिएंट्स हैं। इसका मतलब यह है कि पहले वाले वेरिएंट से बनाई गई एंटीबॉडीज यानी प्रतिरोधक क्षमता से ये बच सकता है और किसी इंसान को दोबारा संक्रमित कर सकता है, जो इसे और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। इस डबल म्यूटेंट वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है। कई देशों ने तो भारत यात्रा पर सिर्फ इसलिए बैन लगा दिया है क्योंकि उन्हें इस इंडियन वेरिएंट से डर है। अगर इस वेरिएंट को आप ध्यान से समझेंगे तो कोरोना के मामलों का जो अचानक विस्फोट हुआ है उसको भी समझ जाएंगे। भारत में पाए जा रहे कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट में एक बदलाव वैसा ही है जैसा ब्राजील और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट में देखने को मिला था। इस बदलाव की वजह से न सिर्फ वो टेस्टिंग किट के जरिए पकड़ में नहीं आ रहा, बल्कि टीका या पिछले इन्फेक्शन से पैदा हुई एंटीबॉडीज का मुकाबला करने में भी ये सक्षम हो जाता है। इस नए वेरिएंट की डिटेल्स ऐसे वक्त में आई है जब जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा से सबसे पहले भारत में मिले एक और वेरिएंट के बड़े पैमाने पर फैलने की बात चली। ये नया वेरिएंट कुछ वक्त पहले पश्चिम बंगाल में सामने आया था। म्यूटेशन और उसके क्लिनिकल असर पर डिटेल में स्टडी अभी नहीं की गई क्योंकि ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा था। बंगाल से जितने म्यूटेशन सामने आए हैं उनमें से करीब 25% में ये वेरिएंट मिला है। इसी तरह के म्यूटेंट के कुछ केस अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में भी देखे गए हैं। देश में इस म्यूटेंट के 130 केस मिले हैं, इनमें से 129 बंगाल से ही है। पूरी दुनिया में इस म्यूटेंट के सबसे ज्यादा मामले भारत में ही है। दूसरे लफ्जों में कहें तो कोरोना का ये देसी वेरिएंट है। इस वेरिएंट ने कुछ बदलावों के बाद खुद को और मजबूत बना लिया जो प्लाज्मा थेरेपी को भी चकमा दे सकता है। जैसे जैसे कोरोना के ये नए संस्करण आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी को फिर से काम करना पड़ रहा है कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में, और इस प्रतिरोधक क्षमता का रोल बहुत ज्यादा अहम होने वाला है हमारी इस लड़ाई में। पर ये इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनती कैसे है और पुराने वेरिएंट के लिए किसी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो क्या वो COVID-21 के लिए भी असरदार साबित होगी? टी सेल्स यानी थाइमस सेल और बी सेल्स यानी बोन मैरो सेल, ये दो सेल हैं जो हमारे अंदर मौजूद संक्रमण का लेखा जोखा रखते हैं और उससे लड़ने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव करते रहते हैं। ये किसी भी एंटीबॉडी की तुलना में काफी अहम है, खासकर तब जब बात आती है किसी भी वायरस के खिलाफ लंबे वक्त तक सुरक्षा देने की। वैज्ञानिक प्रमाण है कि हमारे शरीर में मौजूद ये दोनों सेल कोविड से बचने के लिए मेमोरी बना सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग SARS से 2003 में संक्रमित हुए थे उनके टी सेल्स ने कोविड के वायरस को पहचान लिया और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना ली। तो अगर हमारे शरीर में मौजूद टी सेल्स COVID-19 को पहचानना शुरू कर दें तो उसके ये नए वेरिएंट हमारे लिए कम खतरनाक होंगे। हालांकि 100% ऐसा होगा यह अभी रिसर्च का विषय है, कुछ वैज्ञानिक इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि मुमकिन है कि टी सेल्स वायरस का पहचानना शुरू कर दे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि खतरा टल गया है, क्योंकि COVID-21 का बुरा या कमजोर वेरिएंट भी COVID-19 से कई मायनों में अलग होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कई गंभीर मामलों को वैक्सीन की मदद से माइल्ड किया जा सके, लेकिन अगर हम लंबे वक्त के लिए वायरस से बचने की सोच रहे हैं तो हमें वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। इस बार हालात खराब इसलिए भी हुए क्योंकि कोरोना के वायरस ने अपने को बार बार बदला। पहले हर तरफ जिस डबल म्यूटेंट का शोर मचा हुआ था और अभी जिसे साइंटिस्ट ढंग से समझ भी नहीं पाए थे कि ट्रिपल म्यूटेंट ने दस्तक दे दी। यानी पहले डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस अब ट्रिपल म्यूटेंट हो गया है। मगर सवाल ये है कि आखिर ये ट्रिपल म्यूटेंट है क्या? कोरोना की दूसरी वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में वायरस के 3 अलग अलग वेरिएंट्स मिले हैं। इन सैंपल में 2 सैंपल में स्पाइक प्रोटीन में 2 बड़े म्यूटेशन या बदलाव देखने को मिले। तीसरे वर्जन में स्पाइक प्रोटीन के बाहर बदलाव देखे गए हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बदलाव भी अहम है। आसान जुबान में इस डबल और ट्रिपल म्यूटेंट के चक्कर को समझें तो जैसे वक्त के बारे में ये निश्चित है कि वो बदलेगा जरूर, वैसे ही वायरस के बारे में भी ये तय है कि ये रूप बदलेगा ही बदलेगा। तो भारत में इस डबल वेरिएंट जिसे B1617 का नाम दिया गया उसमें SARS-CoV-2 के 2 म्यूटेंट हैं। मतलब SARS-CoV-2 का जो वायरस था उसमें अब 2 बड़े बदलाव आ गए हैं। इन बदलाव के नाम हैं E484Q और L452R। E484Q म्यूटेंट ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट से मिलते जुलते हैं। इसी तरह से L452R वेरिएंट्स की वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेजी से वायरस फैला था,
ये दोनों बदलाव दूसरे देशों में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स में भी पाए गए, लेकिन ये पहली बार भारत में ही हुआ कि एक ही वेरिएंट्स में दोनों बदलाव आ गए। इस तरह से इसे डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस कहा गया। आप पूछेंगे कि आखिर वायरस को बार बार रूप बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, तो इसका जवाब बस इतना सा है कि नेचर में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी जो फिट है वो हिट का फंडा चलता है। वायरस भी चाहते हैं कि वो खुद को ऐसे ढाल लें कि शरीर के अंदर जाकर उन पर एंटीबॉडी का कुछ असर ना हो। इस वजह से ही डबल म्यूटेंट वाले वायरस से शरीर पहले की तरह नहीं लड़ पा रहा। इसकी वजह यह है कि डबल म्यूटेशन की वजह से वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा बदलाव आ गया है कि ये इंसानी शरीर में बेहतर तरीके से खुद को बचा पा रहा है। ये स्पाइक वही है जो आपको कोरोना वायरस की फोटो में कांटे जैसे दिखते हैं। अब तीसरे वेरिएंट्स ने दस्तक दी है। उसके बारे में फिलहाल इतना पता चला है कि कुछ सैंपल में डबल वेरिएंट्स में हुए बदलाव के अलावा भी बदलाव देखे गए हैं। मतलब ये कि E484Q और L452R के अलावा कुछ और भी देखने को मिले हैं। चूंकि अभी इसके बहुत कम सैंपल मिले हैं, ऐसे में इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इससे कोरोना का वायरस और तेजी से फैल सकता है। जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा सैंपल की जांच होगी, उतनी जल्दी ही ट्रिपल म्यूटेंट की जानकारी मिलेगी और उतनी जल्दी ही उससे लड़ने की रणनीति बनाई जा सकेगी। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। COVID-21 ने आखिर क्यों अपनी शक्ल, सूरत और चाल बदल ली? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। COVID-19 और COVID-21 कई मायनों में अलग है। COVID-19 में तमाम सिम्टम सामने थे, लेकिन COVID-21 में सिम्टम तक बदल गए हैं। यानी कुल मिलाकर COVID-21 न सिर्फ अपनी शक्ल बदल रहा है, बल्कि अपनी चाल भी बदल चुका है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब COVID-21 की जांच पूरी तरह से नाकाम रही है। इस बात को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना के नए म्यूटेड वेरिएंट आते रहे तो वैक्सीन भी कोई परमानेंट हल नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है कि हमें 1-2 साल के लिए खतरे से बचा ले, लेकिन उसके बाद क्या? इसीलिए हमें जरूरत होगी एक यूनिवर्सल वैक्सीन की, जो सार्स के सभी वेरिएंट और भविष्य में आने वाले वायरस के खिलाफ भी काम करे। हालांकि ये अभी सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। हालांकि नैनो पार्टिकल इम्यूनाइजेशन टेक्नोलॉजी के तहत उसके ऊपर काम जरूर चल रहा है। इसीलिए कोरोना वायरस की दवाओं और वैक्सीन में आने वाले दिनों में अभी कई बदलाव होने बाकी हैं। यकीनन आपने इन दिनों सुना होगा कि किसी में कोरोना सिम्टम्स हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ऐसे बहुत से मामलों की वजह यह है कि पुरानी टेस्टिंग किट इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट कर ही नहीं पा रही। जाहिर है इसके नतीजे बहुत घातक हो सकते हैं, क्योंकि आज देश के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर या बेड तभी दिए जा रहे हैं जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो। इसलिए इस मुश्किल का हल हमारे स्वास्थ्य विभाग और सरकार को जल्द से जल्द निकालना होगा, वरना ये तबाही और भी बड़ी हो सकती है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। दूसरी अभी गई नहीं और तीसरी आने की तैयारी में है। कोरोना की हर लहर इंसान पर टूट रही है बनकर कहर। दूसरी लहर जाएगी कब, यह अभी तक पता नहीं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर आएगी, ये पक्का है। कोरोना की हर लहर एक है। देश संकट में है। कोरोना की खूनी लहर अभी भी जारी है और ये कोरोना की अभी सिर्फ दूसरी लहर है। इसकी तीसरी लहर अभी भी बाकी है और वो भी आने वाली है। ये कोई अटकल नहीं है,
बल्कि ये चेतावनी खुद प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन दे रहे हैं। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. पिछले कुछ महीनों में कोरोना के वायरस ने खुद को इतनी बार म्यूटेट किया है कि जिसे देखते हुए कोरोना की सिर्फ तीसरी नहीं बल्कि चौथी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इस चेतावनी में जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो ये कि वैक्सीनेशन के बाद ये लोगों को संक्रमित करने का नया तरीका ढूंढ ले या और ज्यादा नए वेरियंट्स बना ले। मुमकिन है कि कोरोना के नए वेरियंट इम्यूनिटी को भी गच्चा देने में सक्षम हो। दूसरी लहर के दौरान भी ऐसा देखा जा चुका है। जिन लोगों के शरीर में संक्रमण से ठीक होने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी या फिर वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हुई, उन लोगों को भी वायरस संक्रमित कर रहा है। खैर, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि कोरोना की ये दूसरी लहर जाएगी कब और तीसरी लहर आएगी कब। कोरोना की मौजूदा लहर के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में अपनी पीक पर पहुंचेगा, जबकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले हफ्ते से कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर होगी, जिसके बाद केस घटने शुरू हो सकते हैं और फिर सर्दियों के मौसम में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के सदस्य डॉक्टर एन के अरोड़ा के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना की पीक खत्म होने के अगले 4-5 महीनों तक संक्रमण के मामले कम होते रहेंगे और उसके बाद मामले अचानक फिर बढ़ने शुरू हो सकते हैं। इस तरह अक्टूबर या नवंबर तक तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। अलग अलग राज्यों या शहरों में यह अलग अलग वक्त पर आ सकती है। कोरोना की पहली लहर की पीक सितंबर में आई थी और उसके बाद 4 महीने तक मामले घटते चले गए थे, लेकिन फरवरी में दूसरी लहर शुरू हो गई और अब तीसरी लहर के मामले अक्टूबर नवंबर में शुरू होने का अंदेशा है। कोरोना की यह तीसरी लहर मोटे तौर पर 3 फैक्टर पर निर्भर करती है। पहली तो ये कि दिसंबर तक हम कितने लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, दूसरा हम सुपर स्प्रेडर इवेंट को कितना रोक पाते हैं और तीसरा ये कि हम कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर उसे रोक सकते हैं। कोरोना की पहली लहर में वायरस ने बुजुर्गों पर अटैक किया, दूसरी लहर में यह युवाओं को ज्यादा निशाना बना रहा है, मगर इस संक्रमण से इस बार सबसे ज्यादा खतरा है बच्चों को। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है, लिहाजा सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर में 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे बुरी तरह इसका निशाना बन सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भारत की कुल आबादी में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी 30% है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए तो वैक्सीन की विंडो खोल दी गई है, अब बचे हैं 18 से कम उम्र के बच्चे और इनके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो गया तो छोटे बच्चों को वायरस ज्यादा अटैक करेगा और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। वी नीड टू एंश्योर दैट वैक्सीनेशन इज द ओनली वेपन टू एंश्योर मोस्ट पीपल आर प्रोटेक्टेड रादर देन अज्यूमिंग दैट पीपल विल अटेन हर्ड इम्यूनिटी थ्रू द इन्फेक्शन। कोर्ट ने कमान अपने हाथों में ले ली है और सरकार से साफ कहा है कि अब बच्चे बनने से काम नहीं चलेगा, बच्चों के लिए सोचना होगा। तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा असर डालेगी, उसके लिए आपके पास तैयारियां क्या हैं? सिर्फ जबानी जमा खर्च से नहीं बल्कि जमीन पर चीजें दिखनी चाहिए। अगर जमीन पर चीजें नहीं दिखी तो जमीन से चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक वो इस साल के अक्टूबर के महीने तक बच्चों की वैक्सीन विकसित कर लेगा, जबकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी इस पर काम कर रही है और उसकी वैक्सीन ट्रायल स्टेज में है। अगर हम अमेरिकी कंपनी फाइजर की बात करें तो उसने बच्चों के लिए वैक्सीन बना ली है और कनाडा में तो 12 साल से ऊपर के बच्चों पर इसके इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका में भी जल्द इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा मॉडर्ना कंपनी भी इस पर काम कर रही है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो एक बात साफ है कि भारत में तीसरी लहर बेहद करीब है, जबकि बच्चों के लिए जल्द वैक्सीन आने की उम्मीद अभी कम है। सरकार बाहर से वैक्सीन आयात कर ले तो और बात है।
यानी कि हमारे देश में लगभग 58 से लेकर 60 करोड़ बच्चे हैं जो जिनमें से एक भी अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुआ, और आने वाले 3-4 महीने में शायद कोई वैक्सीनेट भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक उनके ट्रायल्स वगैरह आने में समय लगेगा। तो हमारे बच्चे इस वक्त काफी वल्नरेबल हैं। सेकेंड वेव में भी हमने देखा है कि पुराने वेव से ज्यादा बच्चे जो है थोड़े इफेक्ट हो रहे हैं। थर्ड वेव में तो हमें उम्मीद है कि बच्चे जो है वो और ज्यादा इफेक्ट होंगे क्योंकि हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है। तो हमें बहुत ही जागरूक रह के चलने की आवश्यकता है। हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को नजर बना के रखनी है कि वायरस अपना वेरियंट चेंज कर रहा है तो किस तरह का चेंज कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे को अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना है जो कि इस वक्त वल्नरेबल हैं, जिनके लिए कि वैक्सीन अभी हमारे पास नहीं उपलब्ध है। और अगर थर्ड वेव आई और इस तरह मुंह कर लिया बीमारी ने तो काफी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बच्चों का इलाज भी डिफरेंट होता है, बच्चों की इक्विपमेंट भी डिफरेंट है, बच्चों के डॉक्टर भी डिफरेंट है। तो हमारे सारे संसाधनों के ऊपर हमारे को ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे अभी तक के आंकड़े देखें तो कोरोना वायरस ने बच्चों में गंभीर समस्या पैदा नहीं की है, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमित बच्चों की तादाद जरूर तेजी से बढ़ी है। बावजूद इसके अमूमन बच्चे सीरियस कंडीशन में नहीं गए, लेकिन आगे यह वायरस क्या तबाही मचाने वाला है ये या तो ऊपर वाला जानता है या ये खुद। तीसरी लहर की इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सरकार को बच्चों के लिए कोविड देखभाल वार्ड बनाने होंगे। हम बच्चों के मामले में जब होगा तब देखेंगे जैसा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। सरकार को बच्चों की वैक्सीन की टेस्टिंग पर निगरानी रखते हुए उसे जल्द से जल्द मंजूरी भी देना होगा ताकि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हम पहले से ही तैयार रहें। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, संजय शर्मा, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बैनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।